नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशि फल की, यानी कि मित्रों दिनांक 22 जून 2022 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम मित्रों बात करें पंचांग की, तो 22 जून को बुधवार का वार है, साथ में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और रेवती नक्षत्र है। और मित्रों सूर्य जो है वह मिथुन राशि में विराजमान रहेगा, तो वही दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह मीन राशि में संचार करेगा। तो ऐसे में समस्त ग्रह के चाल का अगले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों। व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं और क्या खुशखबरियां हैं, समस्त बातों की जानकारी समस्त ग्रह गोचर के आधार पर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सावधानियां हम आपको देने वाले हैं, तो वही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पूंजी लगानी है। मित्रों इन उपायों को आजमाकर आप अपने अंधकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दी लिखिएगा, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मित्रों जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हाँ मित्रों, जब वक्त आपको परखता है तो सब कुछ बदल जाता है, और भाग्य सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है, और जीवन में अपनी तुलना किसी से ना करें। मित्रों गुरुजी ने यह तीन ज्ञान आपको बड़े ही अच्छे से समझाए हैं, तो इन तीनों आपको जीवन में जरूर उतारना है। और गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशि फल की। आपके स्वभाव का कुछ लोग गैर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी आप उनका विरोध न कर पाना खुद को ही तकलीफदायक साबित हो रहा है। मित्रों कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे लेकिन आपको उनका विरोध करना है, जितना हो सके उनके संपर्क में नहीं आना है, उनसे दूर रहने की ही कोशिश करना है, नहीं तो मित्रों आपको बहुत तकलीफ होगी और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिन बातों के कारण आपको बेवजह दबाव महसूस होता है और व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन लगता है, ऐसी बातों के बारे में सौम्य तरीके से ही लेकिन सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाने की आवश्यकता होगी कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्यों अपनी व्यक्तिगत मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, क्यों आपको बेवजह दबा रहा है। मित्रों अपने काम से संबंधित बदलते हुए विचारों के कारण काम से जुड़ी बातों का फिर से एक बार अवलोकन किया जा सकता है। जी हाँ आपको बता दें कि काम से संबंधित जब तक आपके विचार नहीं बदलते तब तक आप किसी भी कार्य में हाथ ना डालें। पार्टनर के द्वारा आपकी अपेक्षाओं को पूरा ना होता देख रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। मित्रों आप पार्टनर से क्या अपेक्षा करते हैं, किस बात की अपेक्षा रखते हैं, इस बात को समझें और पानी का उपयोग योग्य मात्रा में करने की आवश्यकता होगी। आपने तय की गई अधिकतर बातें पूरी होने की आशंका बन रही है, इसलिए महत्वपूर्ण बातों पर आपको अधिक जोर देना है। सरकारी कामों से जुड़े हुए बातों को आगे बढ़ाने के लिए योग्य व्यक्ति की मदद प्राप्त होगी। और आपको बता दें कि लोगों के साथ हो रहे विवादों को और ना बढ़ाएं, कुछ निर्णय आपको कठोर लग सकते हैं लेकिन दूर दृष्टि से देखा जाए तो यह आपकी भलाई के लिए होगा, इस बात का भी आपको एहसास होगा।
मित्रों, जितने भी बातें तय की है और जिन बातों में आपको आशंका बन रही है कि यह ना हो पाएगा, यह हो पाएगा, मित्रों तरह तरह के विचार मन में आते हैं, उन विचारों से दूर रहें, या हो सके तो बहुत ज़्यादा जोर देकर ऐसी बातों को समय रहते निपटा लें। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा और पुरानी बातों को याद करके आप खुद को दुखी बना सकते हैं। भूतकाल को भूल जाइए मित्रों और वर्तमान का आनंद लीजिए, यही जीवन का असली सत्य है। मित्रों, आपको बता दें कि पुरानी बातों को याद करके आप अपने आप को दुखी बना सकते हैं और इसलिए रिलेशनशिप से संबंधित कुछ बातें को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करने होंगे। सेहत ठीक रहेगी फिर भी जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको शुरुआत में उत्साह महसूस होगा, लेकिन अपनी कार्य क्षमता पर बार बार लोगों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है। जी हाँ मित्रों, लोग आखिर आपकी काबिलियत पर, आपकी कार्य क्षमता पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, इस बात का पता लगाएं। दूसरों की बातों को अधिक महत्व ना देते हुए काम पर अपना ध्यान बनाए रखें और आपके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे जुड़े निर्णय लेते समय खुद पर ध्यान देकर निर्णय लें। जी हाँ मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र से संबंधित नए अवसर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और आपको बता दें मित्रों कि आपके द्वारा सुझाई गई बातों पर पार्टनर कितना गौर करते हैं, कितने बारीकी से समझते हैं, कैसे समझते हैं, इस बात का आपको पता लगाना है और ध्यान भी देना है। और यूरिन से संबंधित तकलीफ थोड़ी देर सता सकती है। आपको बता दें कि जीवन से संबंधित अनेक बातों का अवलोकन आपके द्वारा किया जा सकता है। मित्रों, अनेक बातें आपके सामने आएगी, तरह तरह के विचार आपके सामने आएंगे, किसी न किसी बात की आपके मन के ऊपर चिंता बन रही है, लेकिन चिंता आखिर किस बात की है, इस बात का पता लगाएं। मित्रों, जिसके कारण आपको विश्वास भी है थोड़ा कम महसूस होता है, फिर भी खुद को इस नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और जीवन से संबंधित नई शुरुआत जल्दी होने वाली है। मित्रों, जो भी प्रयत्न आप करेंगे उन प्रयत्नों को आपको जारी रखना है। आपको अपने कार्य और क्षमता के अनुसार अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आप में वह क्षमता है कार्य करने की और नए व्यक्ति के जीवन में आने से स्थिरता महसूस हो सकती है। मित्रों, और नया व्यक्ति जब जीवन में आएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, सिर दर्द और आंखों से संबंधित तकलीफ कुछ समय सताएगी, लेकिन कुछ समय के उपरांत सब कुछ पहले की भांति हो जाएगा। जी हाँ, आप खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर टिके रहने की कोशिश करें। जी मित्रों, ऐसा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो दूसरों के द्वारा दिए गए सुझाव को पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो या तो स्वयं की सुननी होगी या किसी अच्छे व्यक्ति के विचारों को अपनाना होगा। मन में बढ़ रही है चंचलता के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। मित्रों, मन जो है चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, और हर एक बात से संबंधित मानसिक तकलीफ महसूस हो सकती है। मित्रों, एक बात जो आपको अंदर से तोड़ रही है वह बात बार बार आपके सामने आ रही है और क्लाइंट खुद होकर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पार्टनर द्वारा आपको खुश रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। अपने मन में बसी हुई नकारात्मक बातों को आप भी खुद होकर दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखेंगे उतना ही आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। गले की खराश या गले से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। और मित्रों, यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय शुभ रहेगा। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मित्रों, कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। वह जो स्क्रीन पर लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे भी दबा दीजिएगा।